नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। मैं आपका चिरपरिचित दोस्त श्याम कुमार आज आप लोगों को अपामार्ग चिरचिटा पौधों के फायदों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज इस पौधे के ऐसे ऐसे फायदे आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और उपयोग करके दंग रह जाओगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा उपयोग बताने वाला हूँ, ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ, इस चिरचिटा के ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाओगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो को इस चैनल में नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें और वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दें दोस्तों, और हो सके तो 3 लोगों को अवश्य शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, यह है चिरचिटा, इसको अपामार्ग भी बोला जाता है हिंदी में, और यह पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा इसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हर कोई पहचानता है। जानने की ज़रूरत है तो सिर्फ इसके गुणों की, इसके औषधीय गुणों के फायदों की। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके औषधीय गुणों के अचूक प्रयोग, इनके क्या क्या अचूक प्रयोग हैं जिनको आपको करने पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कई बार देखा गया है हमारी जिन माताओं बहनों को गर्भधारण करने में समस्या होती है, उनकी शरीर की हर प्रकार की रिपोर्ट नॉर्मल होती है, ठीक ठाक होती है, फिर भी उन्हें गर्भधारण करने में बहुत समस्या आती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है उनके गर्भ में, तो उनके लिए इसकी जड़ का, इसके पत्तों का और इसके तनों का अचूक प्रयोग है। इसके सर्वांग ले लीजिए, सर्वांग मतलब हर चीज़, यानी कि पत्ते ले लीजिए, तना ले लीजिए और जड़ ले लीजिए, सब बराबर मात्रा में ले लीजिए। उसके बाद इन सब को आप 200 से 300 ml दूध में, यानी कि एक पाव दूध में इसको पका लीजिए, लेकिन किसी मिट्टी के बर्तन में आपको पकाना है, किसी एल्युमिनियम स्टील के बर्तन में नहीं पकाना है। इसको विशेष ध्यान रखना है, मिट्टी के बर्तन में इसके सर्वांग को पकाना है, चिरचिटा को, अपामार्ग को, हर चीज़ इसका ले लेना है टुकड़ा टुकड़ा करके। उसके बाद एक पाव दूध में पकाना है और दूध जब आधा रह जाए तो इस दूध को जब पीरियड का टाइम हो, मासिक धर्म हो, उस समय 3 दिन और दूसरे महीने में भी 2-3 दिन ऐसे लगातार 2-3 माह तक करें। पीरियड के टाइम लगातार 3 दिन करें, जैसे मासिक धर्म शुरू होता है तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, उसके बाद बंद, फिर दूसरे महीने में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ऐसे 2-3 माह तक करें। पीरियड के समय, मासिक धर्म के समय आपकी सारी गर्भाशय की समस्या खत्म हो जाएगी। आप देखोगे आपको 100% लाभ होगा, आप पहले बिल्कुल माँ बन सकते हो और अपने गोद में अपना हंसता खेलता बच्चा पा सकते हो। तो इसका प्रयोग आप अवश्य करें। जो भी माताएं बहनें इस समस्या से गुजर रही हैं उनसे मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, वे अब आंसू ना बहाएं, इस प्रयोग को अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों ये तो था गर्भाशय की समस्या दूर करने का अचूक प्रयोग। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका दूसरा प्रयोग। जिन माता बहनों को जैसे गुप्तांग में कोई फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो उनके लिए भी आप अचूक प्रयोग है। इसकी जड़ को आप कूट पीस करके पेस्ट बना लीजिए और अपने गुप्तांग में लगाइए, जहाँ पे फोड़ा फुंसी है या फिर अंदर में कुछ भी दाने दाने हो गया है तो वहाँ पे लगा दीजिए। वहाँ पे लगाने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, एक दिन लगाने से ही आपको वहाँ से दाग धब्बे मिट जाएंगे, वहाँ से जो कीटाणु बदबू जो भी हो रहता है वो सब खत्म हो जाएगा, आपका गुप्तांग की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस चिरचिटा की जड़ का प्रयोग आप डिलीवरी करवाने के लिए भी अचूक प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यह डिलीवरी करवाने के लिए अचूक प्रयोग माना जाता है। प्राचीन काल से इसकी प्रथा चली आ रही है, गांव देहात में जब भी कोई महिला डिलीवरी करती है तो उसके कमर में इस चिरचिटा की जड़ को बांध दिया जाता है, उसके बाद आसानी से कोई भी महिला बच्चे को जन्म दे देती है, बिना तकलीफ के आसानी से हो जाता है ये सब। अगर कोई महिला डिलीवरी करते वक्त ताकत नहीं दे पा रही है, ताकत नहीं लगा पा रही है, उसका बच्चा फंस गया है, रुक गया है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके कमर में बिल्कुल इसकी जड़ निसंकोच बांध दें और निश्चिंत होकर बैठ जाएँ। 2 से 5 मिनट में ही आसानी से उसका बच्चा बाहर निकल कर आ जाएगी और वह महिला आराम से बच्चे को जन्म दे देगी। तो यह बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है, इसको निश्चित रूप से अपनाएं अगर आपको इस प्रकार से कभी भी परेशानी होती है तो इस प्रकार से आप इसका ये डिलीवरी वाला प्रयोग भी कर सकते हो दोस्तों इसके जड़ को। दोस्तों यह मामूली सा दिखने वाला चिरचिटा मामूली नहीं है,
अगर इसकी जड़ की पेस्ट बनाकर अपने हाथों में लगाकर कोई भी जहरीला सांप पकड़ते हो तो वह सांप आपको नहीं काटेगा। इस बात का जिक्र मुझे खुद सपेरा ने मेरे पास किया था। सपेरा ने बताया था कि हम लोग जब सांप पकड़ते हैं तो इस चिरचिटा की जड़ का पेस्ट बनाकर हाथ में शरीर में लगा लेते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं तो सांप नहीं काटता है। सपेरा लोगों के पास दो चीज़ होती है सांप पकड़ने की दवाई, एक काली पहाड़ी के नाम से बताया था, वो भी एक औषधि है, उसको पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं सपेरा लोग, और दूसरा ये चिरचिटा को बताया था मेरे को। तो ये दो चीज़ होती है सांप पकड़ने के लिए, अगर इसकी जड़ की पेस्ट बनाकर हाथ में पेस्ट बना लो और कोई भी सांप पकड़ो तो आप सांप पकड़ने का जादू दिखा सकते हो कि सांप पकड़ने के बाद मुझे सांप कुछ नहीं करेगा, काटेगा नहीं, इस तरह से जादू बता सकते हो। यह सपेरा ने मुझे बताया था। और आप भी अगर इस तरह से करना चाहते हो तो पहले बिना जहर वाला सांप पे प्रयोग किया करो ताकि पता चल जाए सांप काटेगा कि नहीं काटेगा। इसका प्रयोग तो मैं नहीं किया हूँ लेकिन सपेरा ने मेरे पास इस बात का जिक्र किया था, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी जड़ में इतनी ताकत होती है इसकी जड़ की, अगर पेस्ट बना लो हाथ में लगा लो तो सांप नहीं काटेगा, शरीर में पूरे लगा लो तो पूरे शरीर को नहीं काटेगा। तो ये था दूसरा जानकारी, दूसरा प्रयोग, और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ इसका तीसरा प्रयोग। दोस्तों, इस चिरचिटा के बहुत सारे फायदे हैं, सभी फायदों को मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए इसके और वीडियो बनाऊंगा बाद में और उसमें बताऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को तीसरा फायदा बता रहा हूं। इस चिरचिटा के जो बीज देख रहे हैं ये अभी पानी में भीग गया इसलिए काला काला नज़र आ रहा है। इसकी जो बीज होती है, इस बीज में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस बीज का अगर आप चूर्ण बनाकर प्रतिदिन सेवन करते हो तो आपकी चर्बी भी खत्म हो जाएगी, आपके जो मोटे तोंद निकले होते हैं, पेट की चर्बी बड़ी होती है, जिनका पेट बड़ा होता है उनको हर सुबह खाली पेट इसकी बीज का चूर्ण बनाकर खाना चाहिए एक एक चम्मच गर्म पानी में, तो इससे आपकी चर्बी बहुत जल्द घट जाएगी और आप नॉर्मल सामान्य हो जाओगे। और दोस्तों, इसके बीजों का सेवन आप बवासीर के मस्सों में भी कर सकते हो। इसके बीजों को पेस्ट बना के बवासीर के मस्सों में लगाते हो तो बवासीर के मस्से सूख जाएंगे, खूनी बादी कोई भी बवासीर हो सारे खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और उससे दर्द भी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अचूक प्रयोग है दोस्तों, इसको आप अगर इस परेशानी से गुजर रहे हो तो ज़रूर अपनाना। दोस्तों, अगर आप इस चिरचिटा का दातुन प्रतिदिन करते हो, ब्रश की जगह पे दातुन इसकी करते हो, चिरचिटा की दातुन करते हो, तो आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप सुपारी तक को भी चबा जाओगे और आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मसूड़ों से खून भी नहीं बहेगा और हिले डोलेगा भी नहीं, दांत हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आप बिल्कुल इसका दातुन कीजिए अगर आपके आसपास में ये चिरचिटा का पौधा मौजूद है तो, निसंकोच दातुन कर सकते हैं। दातुन करने से आपको एक सप्ताह में इसका लाभ देखने को मिल जाएगा, आपके दांत जैसे पहले हिलते डुलते होंगे तो वह हिलना डुलना बंद हो जाएगा। तो ज़रूर इसका दातुन अवश्य करें। दोस्तों, चिरचिटा की जड़ का एक और अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग करके आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपने बातों पर, किसी को भी अपना बना सकते हो बड़ी आसानी से दोस्तों। तो इसका प्रयोग बिल्कुल करें दोस्तों। इसकी जड़ को खोद कर ले आएँ, उखाड़ के ले आएँ, चिरचिटा का जड़ ले आएँ और उसकी जड़ को काट करके अच्छे से धो करके इसको पत्थर में घिस घिस करके उससे पेस्ट निकालना है, चंदन की भांति जैसे चंदन को रगड़ते हैं तो उससे पेस्ट निकलता है उसी भांति इससे भी पेस्ट निकलेगा घिस घिस करके, चाहे जितना भी मेहनत लगे घिसने में घिसो, क्योंकि आपको घिस कर इसका तिलक करना है, इससे आपको फ़ायदा होगा, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लेना। इसकी जड़ को ला के काट के पत्थर में घिस घिस करके इससे जो बारीक पेस्ट निकलेगा उसको इकट्ठा कर लेना, जितना कि आपके माथे पे तिलक हो जाए, उस पेस्ट को हर दिन आपको घिस घिस के इसकी पेस्ट को माथे पे तिलक लगा के कहीं भी जाते हो तो इसको जाया करो। इसका तिलक आपके माथे पे लगा रहेगा तो कोई भी आपसे बात करेगा तो आपके बातों पर इम्प्रेस हो जाएगा, आपको भला बुरा कभी नहीं सुनने को मिलेगा, हर कोई आपसे प्यार से बात करेंगे, हर कोई आपसे अच्छे से बात करेंगे, और किसी को अगर प्रपोज करना है तो विशेषकर इसका तिलक लगा लें, क्योंकि उस पर आपको यह बहुत ही चमत्कारी फायदे देगा। अगर किसी को प्रपोज करना है इसका तिलक लगा के करोगे तो वह ना बिल्कुल नहीं कहेगा, इस चीज़ को आप करके देख लेना। तो बिल्कुल इसका तिलक करना ना भूलें हर दिन और अपना जीवन सुखमय बनाएं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आज चिरचिटा का, जो मैं आप लोगों को बता दिया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई आसानी से इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।